कुछ करो बैठ के। कहता है एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम आर फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मान लिया इसने, बना दिया इसने, वैसे तो फंडामेंटल दूसरे थे ना जो हम लोग 7 पढ़ के आए थे और 2 सप्लीमेंट्री थे, बट इन्होंने इस क्वेश्चन में नया फंडामेंटल कंसीडरेशन ले लिया और कहा था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो सरफेस टेंशन जो है वो इन पे डिपेंड कर रहा है कि किस पे डिपेंड है, एनर्जी, एनर्जी की पावर एक्स मान लेता हूँ और वेलोसिटी वी की पावर वाई मान लेता हूँ और टाइम टी की पावर जेड मान लेता हूँ। तो ये अगर एक्स वाई जेड, ठीक है, समझ रहे हो ना, करने का तरीका ये है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के लाके यहाँ पे रखोगे तो सरफेस टेंशन इन्हीं के टर्म में दिखने लगेगा, ई बी टी के टर्म में दिखने लगेगा। अगर मुझे एक्स वाई जेड, क्योंकि जो सरफेस टेंशन इन तीनों पर डिपेंड करता है यार, तो मैं इसे इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो तो इन सभी का डायमेंशनल फार्मूला डाल के एक्स और वाई कंपेयर करके निकाल लो। तो अब जब इसमें तुम निकालोगे तो सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू लेंथ का लेंथ, लेंथ ने लेंथ को, इसका मतलब दे हुआ है एम एल एम एम भाई एम किधर गया एम एम ये, ठीक है, तो ये एम टी की पावर माइनस टू इसका एस का डायमेंशनल फार्मूला। चलो अगर एस का डायमेंशनल फार्मूला इतना है तो हम बात करते हैं एस की इतना, तो जो एस है वेलोसिटी भी, वेलोसिटी भी आपको पता है यार एल टी माइनस वन टाइम टी। अब सबको ये ई क्या था यार, ई एनर्जी था, इन सबको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुट अप करता हूँ तो मुझे जो क्वांटिटी मिलती है वो इधर मिलेगा सरफेस टेंशन एम टी की पावर माइनस टू, एम टी की पावर माइनस टू इधर मिल गया, और इधर मिला हमारे पास एनर्जी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू एनर्जी की पावर एक्स, ठीक है, और वेलोसिटी आ गया एल टी माइनस वन, वेलोसिटी आ गया एल टी माइनस वन वाई, एंड दैट इज टी, टाइम ये आ गया टाइम टी, ठीक है, एक्स वाई जेड ये। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि अब एम एम के पावर एक साथ करो, तो एम की पावर यहाँ पे एम की पावर एक्स है और एक्स ही है, एक ही पावर है, एल की पावर टू एक्स है और एल की पावर इधर वाई है, बस सिंपल सी बात है, और टी की पावर इधर कितना है, टी की पावर माइनस टू एक्स है और एक टी यहाँ भी है, तो माइनस वाई और एक टी जेड यहाँ भी है, तो ये सारी अब मुझे मिल गई। अब पावर कंपेयर करते हैं, तो एक्स की वैल्यू तो वन आ गई यार, ऐसे ही एम एम का कंपेरिजन हो गया। अगर एक्स की वैल्यू वन आ गई तो टू एक्स प्लस वाई कितना है, एल की पावर जीरो है, तो एक्स की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू एन है, तो ये टू प्लस वाई इक्वल टू जीरो, मतलब वाई की वैल्यू जो है वो माइनस टू है। अगर वाई की वैल्यू माइनस टू है तो जेड कितना है, जेड यहाँ से रख दो, माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड दैट इज ऑल इक्वल टू टी की पावर माइनस टू है इधर, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखो तो माइनस टू, और y की वैल्यू माइनस टू रखोगे तो प्लस टू, और प्लस z इज इक्वल टू माइनस टू, कुल मिला के z की वैल्यू भी आ गई माइनस टू, ठीक है। तो z माइनस टू, y माइनस टू, x 1। अब देखो तो ये जो फार्मूला बना वो बना हमारे पास x की e की पावर 1 और v की पावर माइनस टू और t की पावर माइनस टू, है ना। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द सरफेस टेंसर है, कोई मैच किया ई बी टीम पावर माइनस टू, हम लकी हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया, ठीक है।